सोलन में कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिव कुमार ने की। शिव कुमार ने जहां एक ओर स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, तो वहीं स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल प्रदेश की गिरफ्तारी के मामले पर सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नेता भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा की छवि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सभी कोविड फंड के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं, ताकि संकट में फंसे दीन दुखियों, लाचार और बेबस लोगों की मदद की जा सके, लेकिन कुछ लोग इस पैसे पर गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठे हैं, जिसका सबूत स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी ने दे दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने भाजपा प्रति का हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड फंड में खरीद मामले में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अधिकारी बिचौलियों व अन्य पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, लेकिन जिस व्यक्ति से ये ऑडियो वायरल किया गया था, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उसका संबंध राजनीति में ऊंची पैंट रखने वाले भाजपा नेताओं से है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेता को इस बारे में जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से मशहूर है, आज शर्मसार हो गया भाजपाइयों की करतूत से। आपने देखा कि किस तरह से एक बहुत बड़ा स्कैंडल स्वास्थ्य विभाग का निकला, वो कोरोना से संबंधित एक इतनी बड़ी आपदा जो पूरे विश्व में है, देश में है, प्रदेश में है, और हैरानी की बात कि भाजपा नेता उसमें भी अवसर ढूंढ रहे हैं, उसमें भी कमाई का अवसर ढूंढ रहे हैं, और ये बात डायरेक्टर की गिरफ्तारी से तय हो चुकी है। इससे पहले भी कांग्रेस इस बारे में शोर मचाती रही कि कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ ना कुछ बीच में घपला हो रहा है, तो इनके मुख्यमंत्री जी, इनके अध्यक्ष महोदय कहा करते थे प्रदेश कांग्रेस जो है वो राजनीति कर रही है। अब हाथ कंगन को अरसी गया, अब तो डायरेक्टर साहब भी आ गए और डायरेक्टर साहब का जो बिचौलिया था वो भी आ गया, लेकिन हैरानी तो यहाँ होती है कि डायरेक्टर साहब से जब नेगोशिएट होती है, उसका ऑडियो बनता है, और ऑडियो एक बहुत बड़े नेता के पीए को गया, तो नेता को था लेकिन पीए ने अटेंड किया, उस पीए को अभी तक जिसने ये वायरल किया उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इससे बू आती है कि इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। माननीय जयराम ठाकुर जी से हमारा निवेदन है कि उनकी जो छवि अब तक अच्छी रही है और इसको बरकरार रखेंगे, और जितने ये बेईमान लोग भाजपा में, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और ये इतना बड़ा जो स्कैंडल हुआ है, जिस कोरोना के लिए एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक ने अपने गुल्लक तोड़ के अपनी पेंशनों से दान दिया, उस कोरोना की कमाई उस कोरोना की उसमें से ये कमाई ढूंढ रहे हैं, शर्म की बात है। इनको शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। मैं समझता हूँ डायरेक्टर तो कठपुतली है, इसके पीछे कौन सी फोर्स है, मैं समझता हूँ बीजेपी के मुख्यमंत्री जी को भी अच्छे ढंग से पता है, और बीजेपी के जो यहाँ नेता हैं उनको भी सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। अब क्यों उसको बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे नहीं, हिमाचल प्रदेश के जन जन में उस व्यक्ति का क्या वो शक्ल रही है, किस ढंग से वो रहा है, क्या छवि रही है, वो सबके बीच है, मैं समझता हूँ ये सबको पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक क्यों पीछे हटे हुए हैं। ठीक है, उसका जिसने ये वायरल किया उसको पकड़ा जाए, उससे पता लग जाएगा कि ये कहाँ से ये बातें निकली है। तो मैं समझता हूँ कोरोना इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो आपदा है, उसमें भी अगर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको कोई हक नहीं है, डेमोक्रेसी में इनको रहने का कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसकी अच्छे ढंग से जांच हो, हम तो सीबीआई से इसकी मांग करते हैं कि सीबीआई से इसकी जांच हो, और अगर सीबीआई से नहीं करवा सकते तो सिटिंग जज, रिटायर सिटिंग जज से करवाएं। मैं तो आभारी हूं कि कल मैं पढ़ा था अखबार में कि कुछ हमारे जो रिटायर अफसर हैं पुलिस के, डीजीपी रैंक के भंडारी जी और दो अधिकारी, उन्होंने अपनी सेवाएं दी है कि हम इसको जो है निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें इंक्वायरी करने के लिए तैयार है। सरकार को कोई, मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, उसके बाद अगर इस तरह से हुआ तो हम सड़कों में डेमोक्रेटिक ढंग से, एक ऐसा गुड़िया कांड को लेकर इन्होंने कितना हंगामा किया था, उस कांड को लेकर इन्होंने इतना हंगामा किया, और आज सत्ता में आने के बाद कोई बात ही नहीं करते उस बारे में, कोई इंक्वायरी नहीं कराते उस बारे में। तो ये लोग हर चीज में ये अपना फायदा ढूंढते हैं।